अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू यकूब टेक्निकल ट्रिक्स। तो यकूब टेक्निकल ट्रिक्स में खुश आमदी दोस्तों, आज आपके लिए न्यू वीडियो लेके आया हूँ। ये मेरे पास टेंडा F3 पड़ी है, ये देख लें, बिल्कुल न्यू ठीक है। ये एक भाई ने इसको बैटरी पे इस्तेमाल किया है, ठीक है, कि उनके पास लाइट का इशू है और जो है ना पिन वगैरह लगा के ना वो बैटरी जो होती है आप देखते हैं 12 वोल्ट की कार वाली हो गई, रश्के वाली हो गई, ये इस तरह की जो भी बैटरी मिलती है भाई वो उस पर इसको चलाया हुआ था, ठीक है। ये जो है ना बिल्कुल डेड हो गई थी, तो अब इसको देख सकते हैं, ये चेक करें, ठीक है। यहाँ पे ये तो ये रैम लगी हुई है इसकी, ठीक है, और ये जो इसका प्रोसेसर है और ये हो गया इसका सिग्नल IC, और यहाँ पे ये हो गया इसका मेमोरी IC, और ये हो गया इसका 12 वोल्ट का, ये चेक करें, यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं ये वाला IC। तो आप दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी डिवाइस ऐसे हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप इसको खुद से भी सेट कर सकते हैं। कि आपको मैं तरीकाकार बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने इसको सेट किया है, तो मैंने कहा कि आप दोस्तों को भी बता दूँ कि आप दोस्तों की भी डिवाइस ख़राब हो जाए तो आप दोस्त भी इस डिवाइस को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें कि एक मेरे पास ओल्ड डिवाइस पड़ी हुई थी, ठीक है, इसका पानी की वजह से तो ये जो हो गया CPU यहाँ वाला, ये बिल्कुल ख़राब हो गया था इसका, ठीक है। तो CPU तो मेरे पास और नहीं पड़ा हुआ था, तो मैंने ऐसे किया, अभी एक भाई की डिवाइस आई है तो मैंने इससे ये यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये वाला ये होता है पावर IC जो इसके 12 वोल्ट को कंट्रोल करता है ना, जो आगे कन्वर्ट करता है, ये होता है यहाँ पर, इनको सप्लाई देता है ये IC वगैरह को। तो ये मैंने इससे जो है ना निकाला है अभी, तो यहाँ पे ये लगा दिया है, ये देख सकते हैं आपने इसको, अभी ये चेक करें, तो जो मैंने निकाला है ये देख सकते हैं कि इसके हालात ये हुई पड़ी थी, ये चेक करें ये। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर दें। खुदा हाफिज़।